हे गाइस, वेलकम बैक टू एस्केड मास्टर। तो दोस्तों, आज हम ये वाली फोटो इस वाली फोटो को ऐसा बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसे पिक्सार्ट में लेके चलते हैं, और सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम इसे पिक्सार्ट में लेकर आ जाते हैं। यहाँ पर मैं ऐसी वीडियो और ज़्यादा डालता रहता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ड्रॉ टूल को इस्तेमाल करेंगे। ड्रॉ टूल पर जाएंगे हम सबसे पहले, तो हमें ड्रॉ टूल पर जाना है। ये हमारा ड्रॉ टूल आ गया। अब ड्रॉ टूल पर आने के बाद हम इरेजर सेलेक्ट करेंगे, इस तरीके से जूम करके ले इरेजर को, इसके ओपेसिटी और साइज़ और हार्डनेस को 96 और सेटअप कर देंगे। सेटअप करने के बाद हम इसे जूम करेंगे। जूम करने के बाद हम इसे इरेज करना, इसका बैकग्राउंड इरेज करना चालू करेंगे। तो देखते हैं हम किस तरह करते हैं। तो इस तरीके से हम इरेज करना चालू करेंगे, तो दिखाता हूँ आपको। तो देखिए, हम इस तरीके से इरेज करेंगे। इस तरीके से बड़े ध्यान से हमने ब्रश का इस्तेमाल करना है, इसे इरेजर का, सॉरी ब्रश कह रहा हूँ, इरेजर का इस्तेमाल करना है हमने इसमें। इसको बस जल्दी हमें ऐसे करते रहना है, बट ध्यान से करना है। जितनी ज़्यादा आप अच्छी तरीके से करोगे, उतनी ज़्यादा क्लियरिटी और बहुत अच्छी आपकी फ़ोटो क्रॉप होगी, बैकग्राउंड बहुत अच्छी तरीके से रिमूव होगा। तो ये मैंने कर लिया है इसका बैकग्राउंड रिमूव, मैं आपको दिखाता हूँ जल्दी करके। तो ये मेरा बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, जो कि मैंने बहुत ज़्यादा फास्ट करा है, बट आपको मैंने कट में दिखलाया शॉर्ट में। तो हम मल्टी लेयर पर आएंगे, इस वाली लेयर पे आएंगे और फोटो पे लेयर पे क्लिक कर देंगे। अब हम अपना बैकग्राउंड लेकर आएंगे, जिस सेट पे मुझे इसे बेंच पर बिठाना है। तो ये आ चुकी है हमारी बेंच। अब हम इसे कर देंगे राइट पे क्लिक। क्लिक करने के बाद हम बीच वाली लेयर पर देंगे डिलीट और इसे ले आएंगे नीचे, ड्रॉप करेंगे। हम इसे नीचे लेकर आ गए, ये हो गया हमारा सेट। अब हम फिर दोबारा जाएंगे, ये देखिए ये हो चुका है सेट। यहाँ पर अब हम जाएंगे मल्टी लेयर पे, फिर दोबारा इसी ऑप्शन पे और फोटो लेयर पे। और फोटो लेयर पे आने के बाद हम अपना दूसरा बैकग्राउंड यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा दूसरा बैकग्राउंड आ चुका है। हम इसे राइट क्लिक करके ले आएंगे और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके नीचे रखेंगे, इस तरीके से। और अब हम इरेजर का इस्तेमाल करने वाले हैं। इस पर ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, सबसे पहले हम इसका साइज़ देख लेंगे। इस तरीके से हमें इसे साइज़ से बिठाना होगा जितना हमें चाहिए। मैं इस तरीके से सेटअप कर लेता हूँ और ये मैं राइट पर क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पर आने के बाद अब हम इरेजर को सिलेक्ट करेंगे और इसकी हार्डनेस को हम 1 कर देंगे और साइज़ वगैरह ओपेसिटी को चेक कर लेंगे कितना में रखना है। और अब हम इसे इरेज करेंगे इस तरीके से देखिए, इस तरीके से आराम आराम से हमें इरेज करना है। बस इतना ही इरेज करना है जितना मैंने करा, इतना ही इरेज करना है बस, दैट्स इट। यहाँ तक हमारा काम पूरा हो गया। इसके बाद हम इस लेयर पर जाएंगे और हम दोबारा फिर इस EMT लेयर बनाएंगे। और अब हमारा काम रहेगा ब्रश टूल का। ब्रश टूल को हम सिलेक्ट करेंगे, इसका साइज़ 12 रखेंगे, हार्डनेस बिल्कुल 1 पे आ जाएगी। और फिर ये थोड़ा सा साइज़ बढ़ा लेते हैं, ओपेसिटी तो 100% ही रखनी है मैंने, ये 24 तक सही है बिल्कुल। तो अब हम यहाँ से कलर वाइट चूज़ कर लेंगे और हम इस पर शेप्स बनाएंगे, शेप्स अपने फेस पे और अपनी जैकेट पे, जो फ़ोटो अच्छा लगे। तो देखिए किस तरीके से हमें बनानी है, इस तरीके से हम जूम करके बनाएंगे, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से, हाँ ये सही है, इस तरीके से। दोस्तों आप देखते रहिए, बहुत अच्छा लुक बनेगा इस फोटो का, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। फिर इस तरीके से हमें शेप बनानी है, देखिए इस तरीके से हाथ पर शेप बनानी है, सीधी ड्रॉ करनी है बस, इस तरीके से हमें 10-12 लाइन इस तरीके से हमने ड्रॉ करनी है, जहाँ जहाँ हमें शाइन दिखानी है, थोड़ा सा अच्छा सा लुक बनाना है। जैकेट पे भी हम करेंगे, जो ये हमारी लेयर्स ये आ रही है, सलवट जो आ रही है हमारे, इस पे कर्व, हम इस पे भी इसी तरीके से हम इस तरह करेंगे, इस तरह हमें करना है। यस, बिल्कुल 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 राइट, हम इसी तरीके से करते चले जाएँगे। अब हमें अपनी पैंट पर भी करना है, 2 लाइन्स हम अपनी पैंट पर भी करेंगे, एक इधर और इस तरीके से, और यहाँ पर भी करके देख लेते हैं, नहीं यहाँ पर रहने देते हैं, यहाँ पर सही है, बस यहाँ पर हो चुका है। अब हम फिर दोबारा देख सकते हैं आप दोस्तों, तो कुछ ऐसा दिख रहा है। हम दोबारा मल्टी लेयर पे जाएंगे और इसके बाद हम इसे स्क्रीन कर देंगे, और स्क्रीन करने के बाद हम इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा डाउन करेंगे, मतलब बिल्कुल डाउन कर देंगे, जहाँ तक लगे दिखे ना, इनविजिबल होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा दिखना चाहिए बस, ऐसा लगे जैसे लाइट सी है, जैसे शाइन। तो इस तरीके की अब हमारी हो चुकी है, जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ तलक 5 पे 5 3 2 कौन सा रखूँ, अरे सेट हो जाओ, अरे हो गया। यहाँ पर हम EMT लेयर एक और बना लेंगे और यहाँ पर हम कलर करेंगे चूज़ ब्लैक। और हमें यहाँ पर करना है फिर दोबारा से साइज़ थोड़ा बढ़ा लेते हैं, हार्डनेस इतनी सही है बस, इस तरीके से हमें लाइन करनी है ड्रॉ, इस तरीके से और इस तरीके से पैंट पे,
इस तरीके से हम अपनी जीन्स पर करेंगे। फिर इसे भी मल्टी मल्टी तो नहीं पर स्क्रीन कर देंगे हम। इसे स्क्रीन करने के बाद इसकी भी ओपेसिटी हम इतनी ही रखेंगे, मतलब डाउन 50 के अराउंड, 45 के अराउंड रख देंगे। यहाँ पर हो चुका है ये सब डन। ये देख लीजिए फोटो कैसा दिख रहा है। अभी अभी वो वाली बात इसमें नहीं आई। हम दोबारा मल्टी लेयर पर जाएंगे, फिर दोबारा इसी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद, फोटो लेयर पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ से जाएंगे और अपनी लेंस फ्लेयर को लेकर आएंगे, मतलब जो लाइट हमें अपने फ़ोटो में लगानी है हमें उसे यहाँ पर लेकर आना होगा। तो आई थिंक मैंने इसे यहाँ पर रखा हुआ है इस फोल्डर में, आई होप। हाँ ये रही, हम ये वाली लाइट यहाँ पर लेकर आएंगे। हम इसे राइट पर क्लिक कर देंगे। राइट पर क्लिक करने के बाद अब हम इसे करेंगे यहाँ से या तो नीचे लेकर आएंगे और इस वाली को डिलीट कर देंगे और फिर यहाँ से इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज कर देंगे, स्क्रीन कर देंगे। स्क्रीन करने के बाद अब हम इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रांसफॉर्म करने के बाद अब हम इसे यहाँ पर अब सेटअप कर सकते हैं, मतलब इसे हिला डुला सकते हैं, जिधर हमें इसे लेके जाना है उधर लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों इसी बात पे इस वीडियो कर दीजिए लाइक और कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब, और साथ में ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी वीडियोस हैं उन्हें भी देख लें। आई होप कि आपको पसंद आएगी। तो दोस्तों इस तरीके से हम इसे यहाँ पर सेटअप कर देंगे। सेटअप करने के बाद ये हो चुकी है सेटअप, हम करेंगे राइट पे टिक और ये हो चुका है हमारा सेटअप। अब हमें क्या करना है, अब हमें करनी है इस फोटो को सेव, जो कि हम इसे करेंगे सेव। अब इसे सेव करने के बाद हम लेके जाएंगे सीधा इसे लाइट रूम में, जहाँ पर हम करेंगे इसकी कलर ग्रेडिंग। तो यहाँ से हम फोटो ऐड कर लेते हैं। तो मेरा मोबाइल थोड़ा टाइम ले रहा है क्योंकि फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए लाइट रूम को बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है। तो यहाँ गया हमारा फोटो, तो ऐड हो गया हमारा फोटो। अब यहाँ से हम इस फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब हमें देखना है यहाँ पर एक्सपोजर वगैरह हम सेट कर लेंगे अपने फ़ोटो का, जैसे कि हमें देखना है कि हमारा एक्सपोजर कहाँ पर। अगर दोस्तों आप लाइट रूम इस्तेमाल नहीं करते हो तो लाइट रूम इस्तेमाल करो, ये कलर ग्रेडिंग और कलर टेक्सचर के लिए सबसे बढ़िया ऐप है। अगर आप अपने फोटोज़ क्लिक करते हो उसमें कलर ग्रेडिंग वगैरह करते हो, तो दोस्तों जैसी सेटिंग में रख रहा हूँ वैसे आप भी रख सकते हैं, बट आप अपने फोटो के हिसाब से रखेंगे। अगर आप भी ऐसी फोटो बना रहे हो तो आप ऐसी सेटिंग रखेंगे, सेम वैल्यूज़ आप ये वाली रख सकते हैं और देख सकते हैं आपका फोटो कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लगे तो सेव कर लेना, वरना अपने हिसाब से सेटिंग देख लेना। तो दोस्तों आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा इस वीडियो में। तो दोस्तों इसी तरीके से हम यू सैचुरेशन वगैरह ये सब चीज़ें यहाँ पर छेड़छाड़ के देख लेंगे कहाँ पर हमारा फोटो अच्छा लग रहा है। ऑरेंज कलर जो होता है ये दोस्तों हमारे फेस का होता है, और येलो कलर भी कुछ हद तक हमारे फेस का ही होता है। तो दोस्तों हम यहाँ पर देख लेंगे कौन सा कलर कहाँ पर सही लग रहा है। इस तरीके से दोस्तों हम अपने इसको सेटअप कर लेंगे सारे कलर। यहाँ पर डन होने के बाद अब हमें करना है और भी काम। अब हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जाके स्प्लिट टोन में, और अब हम देखेंगे हाइलाइट्स में कि कहाँ पर सही लग रहा है, फिर भी कहाँ तक सही आ रहा है हाइलाइट का। वैसे स्प्लिट टोन का मैं ज़्यादा इस्तेमाल करता नहीं हूँ, बट फिर भी मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ कई हद तक करता हूँ, मतलब बहुत कमी के साथ। तो दोस्तों हम देख लेते हैं कहाँ पर सही लग रहा है। तो आई थिंक यहाँ पर सही लगे। शेडो को भी देख लेते हैं, शेडो में क्या, शेडो कहाँ तक, आई थिंक थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, बस हाईलाइट को ही छेड़ना चाहिए। तो हाईलाइट को मैं बस थोड़ा सा ऊपर को रख दूंगा ताकि ऑरेंज सी टील आ जाए। तो ये हो गया डन। अब यहाँ से हम टेक्सचर को देख लेते हैं, टेक्सचर हमारा कहाँ तक, यहाँ या फिर जितना ही माइनस, क्लियरिटी बढ़िया लग रही है। हाँ ये इसे भी हम थोड़ा, इसे दोस्तों आपने बिल्कुल यूज़ करना है। हाँ इसे मैं रिकमेंड करूँगा, आपने ये ऑप्शन तो बिल्कुल यूज़ करना है क्लियरिटी। और डेजी को भी देखेंगे हम, देख लेते हैं, ये ज़्यादा छेड़ना बेकार है, बस इतना ही सही है। हाँ थोड़ा सा ठीक है, ठीक है, माइनस में ले आएंगे। विनियट को हम माइनस में लेके जाएंगे थोड़ा सा डार्क बन लाने के लिए अपने फ़ोटो में, या फिर माइनस, या फिर इतना ही रहने देंगे, सिर्फ 0.01 पे ही। और इसके बाद हम जाएंगे इस प्रो ऑप्शन पे। दोस्तों इसके बाद हमें यहाँ पर क्लिक करना है, देख लो इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है और ये लेना है गोल सर्कल, और इसे इस तरह, ये प्रो टेक्निक है दोस्तों, आपने याद रखना है इस तरह अपने फेस के, मतलब इसमें क्या होगा आप इसे दबा के रखना, प्रेस करके, जो बीच में डॉट जो आ रहा है हमें इसे प्रेस करके रखेंगे और इसे इन्वर्ट कर देंगे। अब क्या होगा कि हमारे फोटो के बाहर जो है वही उसकी कलर ग्रेडिंग वगैरह हम कर सकते हैं, बट हमारे फेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों हम इस तरीके से इसे यहाँ पर सेटअप कर लेंगे हर चीज़ अपनी, किस तरीके से हमें कहाँ पर क्या क्या कितनी क्लियरिटी चाहिए। तो दोस्तों आई थिंक यहाँ पर सही लग रहा है, यहाँ थोड़ा सा हाईलाइट में नहीं, शेडो में, शेडो बिल्कुल हाँ ऐसे रख लेता हूँ। वाइटनेस को यहाँ पर साथ पे ठीक है, ब्लैकनेस नहीं यहाँ पर सही है, नहीं हाँ यहाँ यहाँ थिंक यहाँ पर सही है, यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट आएगी, यहाँ पर सही लग रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से हम यहाँ पर करेंगे, और यहाँ पर जाके हम इसका कलर भी चेंज करके देख सकते हैं, मतलब ऑरेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने ऑरेंज पे लेके जा रहा हूँ क्योंकि ऑरेंज ही हमारा ज़्यादा कलर दिख रहा है फेस के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर, तो हम ऑरेंज करेंगे। टिन को थोड़ा सा पिंक की तरफ ले जाएंगे,
और इसके बाद यहाँ पर ये परफेक्ट हो चुका है। अभी हमें एक और बार इसे देखना होगा। तो यहाँ पर और क्या क्या हम कर सकते हैं, तो हम एक और बार इसी में चलते हैं कलर्स में, और यहाँ पर थोड़ा सा टेम्पो चेंज करते हैं येलो, थोड़ा सा आई थिंक इसे छेड़ना बेकार है, और हाँ टिल को थोड़ा सा पिंक की तरफ ले आते हैं, टिंट 4 पे सही रहेगा। और वाइब्रेंस को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। वाइब्रेंस को बढ़ाने के बाद अब हमें बाकी काम जो करना है वो है हमारा यहाँ पर। यहाँ पर हम थोड़ा सा इसे भी थोड़ा और देख लेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा चेक कर लेंगे, यहाँ यू इसका थोड़ा सा माइनस में रख देते हैं येलो का, हाँ यहाँ पर ठीक है, डन कर देंगे। डन करने के बाद दोस्तों अब हम नीचे जाएंगे और दोबारा से इसकी क्लियरिटी वगैरह हम चेक करेंगे। तो दोस्तों ये क्लियरिटी यहाँ पर सही लग रहा है आई थिंक। और दोस्तों मैं बीच में ट्रैवलिंग के लिए माफ़ी चाहूँगा कि आपको शोर शराबे का या गाड़ियों का साउंड सुनाई दे रहा होगा। तो दोस्तों मैं एक्चुअली कहीं ऐसी जगह बैठा हूँ जहाँ पर ये आ रहे हैं ऑप्शन। तो देख सकते हो दोस्तों फ़ोटो कैसा लग रहा है, कमाल का लग रहा है। तो दोस्तों ये देखो थोड़ी सी कंट्रास्ट और आप बढ़ा दोगे, देखो कितना ज़बरदस्त लग रहा है शेडो के साथ, अय है गज़ब, मज़ा आ गया। मतलब दोस्तों अगर आपको भी मज़ा आ गया तो इसी बात पर लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को, ठोक दो उस लाल बटन को, मुझे नहीं पता हिट हो जाना चाहिए वो लाल बटन, मुझे नहीं पता आप उसके साथ क्या करोगे, बस वो दब जाना चाहिए। और वीडियो का लाइक का बटन दबा दो फटाफट जल्दी से इसी बात के ऊपर। तो दोस्तों ये कर चुके हैं ब्लैकनेस को, अरे है कितना बढ़िया लुक आ रहा है, अरे वो क्लियरिटी तो गजब आ रही है, ऑसम। तो दोस्तों आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी जाके इसे चेक कर सकते हो, इस मेरी प्रोफाइल को मैंने वहाँ पर इसे अपलोड कर रखा है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह कर देंगे। तो दोस्तों आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जाके देख सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा नीचे, आप वहाँ पर जाके उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ थोड़ा सा और मैं देख लेता हूँ, क्योंकि दोस्तों कलर ग्रेडिंग में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि मैं आपको मैन्युअली करके दिखाना चाहता था क्या होता कि मैं आपको प्रीसेट बना के दे देता, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, आपको भी करना आना चाहिए। तो देखो क्लियरिटी कैसा गजब का लुक आ रहा है भाई साहब, माँ कसम इसे ही कहते हैं फोटो। देखो यार वाकई में यार क्या क्या आ रही है, लुक तो एकदम कमाल का आ रहा है, देखना क्लियरिटी, ओहो जान डाल देता है क्लियरिटी तो बिल्कुल फ़ोटो के अंदर, बट मैं इसे ज़्यादा भी रखूँगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई, तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो इसी बात पे इस चैनल को, और ऐसी वीडियो देखने